हेलो दोस्तों, एसआर गार्डन केयर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एस्पैरागस प्लांट के बारे में। ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होता है और देखने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना है और काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है। तो आप भी अपने घर पे, छत पे और गार्डन में बहुत ही आसानी से ऐड कर सकते हैं इस प्लांट को। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप किसी गार्डन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर किसी आसपास के नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। इस प्लांट को आप एक बार लगा लेते हैं अपने घर, छत और गार्डन में, तो एक प्लांट से आप ढेर सारा प्लांट बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। प्लांट को आप आउटडोर और इनडोर दोनों जगहों पर बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। बस थोड़ा सा धूप का देखभाल का जरूरत पड़ता है दोस्तों। इस प्लांट को ज़्यादा धूप नहीं पसंद पड़ता है दोस्तों, तो ऐसे जगह पर रखें जहाँ पर 2 से 3 घंटे का ही धूप मिलता हो, ताकि इस प्लांट को अच्छा खासा शाइनिंग मिले और देखने से काफ़ी ज़्यादा ग्रो और घना लगे। इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमने करीब 1.5 साल से इस प्लांट को रिपोर्टिंग नहीं की हुए हैं दोस्तों, तो आज हम इस प्लांट का रिपोर्टिंग करेंगे और एक प्लांट से ढेर सारा प्लांट दोस्तों आज हम बनाएंगे। आप जब भी रिपोर्टिंग करें दोस्तों, तो गमला में या मिट्टी का गमला हो या फिर सीमेंट का या फिर किसी चीज़ का गमला हो दोस्तों, तो ऐसे निकालें दोस्तों ताकि ना आपका गमला टूटे और ना आपके प्लांट में ना कोई नुकसान पहुंचे। तो आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे निकालना है। आप इसको ऐसे यहाँ से हाथ देना है, दोनों हाथ एक यहाँ देना है, एक वहाँ देना है, और आसानी से इसको ऐसे पलट के ऊपर से पलट देना है दोस्तों, और साइड से इस पर जो है ठोक लगाना है, वो आपको आसानी से प्लांट निकल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस प्लांट को हम निकाल के दिखाते हैं। हमने दोस्तों इस प्लांट को जो है गमला से निकाल लिया है। इसको आप साइड से जो है आराम आराम से इसका जो है मिट्टी पहले हटा दे दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों बल्ब आता है, आप देख सकते हैं इस बल्ब से ही दोस्तों प्लांट तैयार होता है। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे बल्ब है, इसी से दोस्तों प्लांट तैयार होता है। तो चलिए हम इसको पहले निकाल लेते हैं। इसके एक प्लांट से ढेर सारा प्लांट तैयार करना है दोस्तों, तो इसको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। आप किसी चाकू के सहारे से इस प्लांट को आप कटिंग कर दे दोस्तों। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं। हमने करीब 4 प्लांट जो है एक प्लांट से निकाला है। तो दोस्तों आप इसमें जो है ढेर सारा इसका बल्ब है वो निकाल दे, ज़्यादा बल्ब रहता है तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है दोस्तों। तो इतना ही रखे दोस्तों जितना इस प्लांट को ज़रूरत है। इसको अच्छी तरह से दोस्तों आप हटा दें, बस अब ठीक है। ये आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा से ग्रो हो जाएगा। इसमें जो सूखी सूखी पत्तियां उसको हटा दें ताकि आपको प्लांट में ना कोई नुकसान पहुँचा सके। तो दोस्तों मेरा एक प्लांट जो है ये तैयार हो गया है, इसको बस अब लगाना है। हमने इसी तरह सबको हटा दिया है। इसमें ढेर सारा बल्ब आया हुआ था तो हमने काफ़ी सारा बल्ब को जो है हटा दिया है ताकि इसका प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करे। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम लगाते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए जिसका मिट्टी होता है दोस्तों, 50% गार्डन से ले ले, 30% बर्मी कंपोस्ट ले ले, या फिर गाय का गोबर का जो खाद होता है वो ले ले, 20% रिवर सैंड ले ले, थोड़ा सा नीम का खल्ली ले ले। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर, जो हमने पहले से ही इसका मिट्टी तैयार करके रखा है। अब देख सकते हैं इस प्लांट को लगाने के लिए इसका जो गमला होता है दोस्तों, आप कोई भी गमला बहुत ही आसानी से ले सकते हैं, या फिर मिट्टी का ले ले, या फिर सीमेंट का गमला ले ले, या फिर किसी हैंगिंग बास्केट बोर्ड ले ले, या फिर किसी बोतल या डब्बा में बहुत ही आसानी से ये प्लांट आपको लग जाता है दोस्तों। तो हमने कभी 3 हैंगिंग बास्केट बोल लिया। तो आप जब भी लगाएं तो इसमें हॉल ज़रूर कर दे ताकि पानी बहुत ही आसानी से निकल जाए दोस्तों, और आपका प्लांट भी नहीं ख़राब हो। हॉल करने के बाद ऊपर से आप कोई भी कंकड़ पत्थर डाल दें ताकि इसका जो है पानी बहुत आसानी से निकल जाए और मिट्टी गमला में ही रहे। तो चलिए दोस्तों इस प्लांट को लगाते हैं। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा मिट्टी रख देते हैं। हम
हमने जो प्लांट लिया है दोस्तों वो प्लांट रख देते हैं। अब बीच में रखे अब आप ऊपर से साइड साइड में इसमें जो है मिट्टी आप दें। ध्यान रहे कि इसका जो पत्तियां है वो मिट्टी के अंदर ना दबे, नहीं तो प्लांट का जो पत्तियां है वो ख़राब हो जाएगा दोस्तों। इसमें मिट्टी जो है आप साइड साइड से दे, फिर आप हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा साइड साइड से दबा दे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है दोस्तों, हल्का हल्का हाथ से जो है इसको दबा देना है ताकि इसके रूट तक जो है मिट्टी जा सके दोस्तों। तो हमने इस प्लांट को तो अब लगा लिया, इसी तरह हम इस दोनों गमला में भी लगा लेते हैं। हमने दोस्तों हैंगिंग बास्केट में जो है लगा लिया है दोस्तों, तो अब इसमें पानी देते हैं। तो आप जब भी इस प्लांट में पानी दे तो पानी साइड से दे, पानी बीच से कभी नहीं देना चाहिए दोस्तों, नहीं तो होता क्या है कि इसके रूट से जो है मिट्टी खाली होना चालू हो जाता है तो प्लांट जो है ख़राब होना चालू हो जाता है दोस्तों। तो आप जब भी पानी दे तो साइड से पानी दे। तो आप जिस टाइम प्लांट लगाते हैं तो उस टाइम पानी तो आपको थोड़ा सा भरपूर देना है, उसके बाद जब भी पानी दे इस प्लांट में तो इसकी मिट्टी को देख ले कि मिट्टी ड्राई रहे तो पानी दे, क्योंकि ये प्लांट ऐसा है कि ये पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है दोस्त, इसकी पत्तियां जो है सूखने लगता है। तो पानी जब भी दे तो इसकी मिट्टी को जांच ले अच्छी तरह से, तब पानी दे। इस प्लांट की फर्टिलाइज़र की बात करो दोस्तों, तो वैसे इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप साल में दो बार पुरानी गाय का गोबर का जो खाद होता है वो, या फिर बर्मी कंपोस्ट जो होता है वो, उससे फर्टिलाइज़र आप कर दें। इसकी फंगस की बात करें तो वैसे तो इस प्लांट में फंगस आता नहीं है, फिर भी आप 3 महीना या 4 महीना पर कोई फंगीसाइड पाउडर का घोल बना के स्प्रे कर दे, या फिर नीम का वाल जो होता है पानी में मिक्स करके उससे फर्टिलाइज़र कर दे दोस्तों। इसकी धूप की बात करें तो इस प्लांट को बिल्कुल धूप पसंद नहीं है, इस प्लांट को ज़्यादा गर्मी नहीं पसंद, ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे 2 से 3 घंटे का ही धूप आती हो, ताकि आपका प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करे और घना हो और काफ़ी ज़्यादा हरा भरा दिखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ में कमेंट करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और इसी तरह प्लांट से रिलेटिव आपको जानकारी भरपूर मिले, ताकि आप भी अपने घर पे छत पे और गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सके। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।